क्या आप हदीस और कुरान की 100% प्रैक्टिस करते हैं, पूरी तरीके से मान्यता करते हैं? क्या आपको जिस प्रकार से कैमरा में बैठ करके हम डिबेट कर रहे हैं, ये मान्यता हदीस और कुरान में है? क्या सड़कों पर खड़े होकर जब आप नमाज पढ़ते हैं सड़कें रोक देते हैं, वो मान्यता आपको है क्या? अगर है तो आप मान्यता नहीं करते हैं, अगर है तो आप टीवी डिबेट के सामने क्यों बैठे हैं? है, मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ने का हुक्म है, और जहां मुझे मौका मिलेगा, जहां मुझे पाक साफ जगह मिलेगी, मैं वजू करूंगा, उस जगह पे नमाज पढ़ूंगा। आपको क्या आपत्ति है? चलिए बताइए। मैं पचास के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। अगर मेरी नमाज का वक्त हो गया तो मैं वजू करूंगा, साफ जगह ढूंढूंगा, जा नमाज बिछाऊंगा और नमाज पढ़ूंगा। आप कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? आपकी नमाज से किसी और की जिंदगी को आप परेशानी में अगर डालेंगे तो वो नमाज कबूल होगी क्या? अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं सच्चे दिल से, इस्लाम को अच्छे से अगर फॉलो करते हैं, तो आप ये बात कभी ना कहते कि 50 लोगों को रोक कर नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह आपकी ऐसी नमाज में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। कहा क्या 50 लोगों को रोक के? अभी तो कह रहे हैं आप कि नमाज का वक्त हो गया तो मैं नहीं देखूंगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा। अच्छा बारिश भाई, एक और सवाल, क्योंकि एसेंशियल पार्ट है। बारिश भाई, आपका बैंक में अकाउंट है? हाँ, अकाउंट है बैंक में, तो होता ही है ना सबका, हमको तो पेमेंट मिलता है बैंक से। आपने कभी नहीं तो कैसे उसके तो सूद मिलता होगा, सूद तो आपको अलाउड नहीं है। मैं ब्याज नहीं लेता हूँ। जो आता है ब्याज का पैसा वो मैं छोड़ देता हूँ। हमको कैसे पता चलेगा? धंधा नहीं करता हूँ ना, सूद का ब्याज आप लेते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि ब्याज का पैसा आपने छोड़ दिया? देखिए मैडम बोलने को जाएंगे तो अच्छा, आप मुझे बताए, बैंक को आपने लिख कर दिया है, बैंक को आपने लिख कर दिया है कि वारिस पठान सूद का पैसा नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लूंगा मैं, आपने बैंक को लिख कर दिया है। अगर मुझे पता है कि अगर इसके मेरे मुझे पता है अगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो मुझे नहीं लेना, वो गरीब लोग को दे देंगे, चला जाएगा बैंक के थ्रू, मुझे नहीं चाहिए, नहीं लेता। मेरी मर्जी। आपकी मर्जी तो मैं समझ गई सर, मैं कह रही हूँ बैंक पे काहे पैसा डाल रहे हैं? रोक नहीं सकता मुझे। अरे आप क्यों बैंक में? आपको अलाउड नहीं है, आपको ये पैसा अलाउड नहीं है, आप क्यों बैंक में? मैडम मैं तो कहती हूँ सर, मैं कह रही हूँ मेरा बैंक में अकाउंट है सर। आप हिजाब भी मत पहनिए, और हिजाब का आप मुझे सुनिए मेरी बात, सुनिए बारिश पठान, मेरे ऊपर मत आइए, आप भी करिए, मेरे ऊपर मत आइए, करिए आपका, अपनी आंखों के आगे पर्दा ले आइए, अपनी जुबान के आगे पर्दा ले आइए। अब मैं आपको इस्लाम सिखाती हूँ वारिस पठान, अपनी आंखों और अपनी जुबान पर वो हिजाब, वो पर्दा डाल दीजिए। रुबिका लियाकत से जब आप बात कर रहे हैं, मत भूलिए एक महिला से बात कर रहे हैं, एक महिला से बात कर रहे हैं। जितना कुरान आपने पढ़ा है उतना ही शिद्दत से कुरान मैंने पढ़ा है, और जो चीजें उसमें लिखी है उसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है मैंने, अपना ले, मुझे आपत्ति नहीं है, पूरे अकीदत के साथ पढ़ा है। मैं कह रही हूँ हिजाब का जिक्र 7 मर्तबा आया है, और पर्दे के लिहाज से आया है, सेपरेशन के लिहाज से आया है। वो पर्दे की बात नहीं हुई है कि आप जो है अपनी आंखें ढक लें, अपना जो है चेहरा ढक लें, अपने आप को जो है आप लोगों से छिपा दें, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। एक अरबिक क्लोथिंग के लिए, ड्रेस कोड के लिए हिंदुस्तान में लड़ाई मत कीजिए पारस भाई। चलिए ऐड करना चाहिए, बार बार एक आदमी एक औरत को देख रहा है तो वो गलत है। रूबिका जी मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपको भी चॉइस ऑफ फ्रीडम है, आप आज चाहे तो आज मैं रुक रही हूँ, सुनिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, डेमोक्रेसी है वारिस पठान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों को बरगलाएंगे और उनको कहेंगे कि हिजाब पहन कर घर से निकलो, उनकी मर्जी है। ईरान जाइए, अफगानिस्तान जाइए, लड़कियां किस तरीके से लड़ी अपनी आजादी के लिए, क्या विकास से बड़ा मुद्दा हिजाब हो गया? इसका हिसाब दीजिए मुझे।
आजकल आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, भाईजान चाचाजान कर दिया, आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। आजकल आप ज्यादातर राजनेता बन रहे हैं। मैं बता, गजवाए हिंद को छोड़ दीजिए, गजवाए हिंद तो सच में कयामत तक ना आ पाएगा, नहीं आएगा। और आपके जो बॉस है ना असदुद्दीन वैसे ही वो लेके आ गए। ये तो ध्रुवीकरण कर रहे भाजपा मुसलमान है यहाँ पे, मुसलमान है हिंदुस्तान में, भाजपा को नहीं होगा, समझ लीजिए। लेके आ गए, अरे इनका क्या है विरोध, सबका क्या है, एक सीट पे लड़ रहे हैं, ये कहां से लड़ रहे भाई विरोध, आप कहां से लड़ रहे, खामोश बैठो, बड़े बात कर रहे, बीच में नहीं बोलने का, जब बड़े बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलते, खामोश बैठो। वारिस पठान इस तरीके से बात नहीं करेंगे आप, ये कभी सिखा दो कॉलेज में, मुस्लिम स्कॉलर आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मेरे मेहमान हैं, वो इसी तरह के बात करने लायक है, आपसे उम्र में बड़े हैं, आप इस तरह का आपसे ओहदे में कई जगह पर बड़े रहे हैं। फिरोज साहब प्लीज एक सेकंड मुझे मौका दीजिए, फिरोज साहब एक सेकंड, फिरोज साहब कोई भी होगा, वारिस भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा, वारिस पठान बिल्कुल नहीं चलेगा, उन्होंने संविधान के इतर कोई बात नहीं की है, आपको कोई यहाँ बेइज्जत नहीं कर सकता, वैसे ही फिरोज साहब को कोई बेइज्जत नहीं कर सकता है, आपकी यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वारिस भाई बात करेगा, मैं उसके खिलाफ बात, कोई आपके धर्म के, अच्छा आपने धर्म का ठेका ले रखा है, कौन आपके धर्म के खिलाफ बोल रहा है ये बताइए, करेगा वारिस पठान उसके खिलाफ बात करेगा। सुनिए एक तो फिल्मी डायलॉग यहाँ पर नहीं चल रहा है, वो बात कर रहे हैं, आप हीरो बनने की कोशिश ना करें, इजाजत दिया है हमको पहनने की, डायलॉग मारने से इस्लाम नहीं बच जाता है, डायलॉग मारने से इस्लाम नहीं बचता है, इस्लाम को समझदारी से बचाइए, इस्लाम को बचाए, इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर सकता, रूपिका जी कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप जैसे लोग परेशानी में जरूर डाल देते हैं मुसलमानों को। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।